Hello everyone, welcome to the part 2 of the first episode of the UNESCO podcast. I hope you guys will enjoy this and I'll see you at the end of the video. Alright, moving on to the next album. Who's turn? My next favorite album is Rockstar by none other than Mr. A.R. Rahman. God, genius. Really? Genius. Okay. आई मीन अब किसी भी म्यूजिशियन का इंटरव्यू देख लो और वो लोग सब उसको जीने से बुलाए अभी रिसेंटली कुछ तो यश राज मुखाटे का इंटरव्यू देख रहे थे लाइक वो इंसान बस इस प्लैनेट से है ही नहीं विच आई एग्री उतना कंसिस्टेंटली उतने लंबे करियर में कीप मेकिंग म्यूजिक दैट सॉर्ट ऑफ एक्सेप्शनल इज वेरी रेयर एंड टू इंस्पायर एन एंटायर जनरेशन एंड ट्राइंग समथिंग न्यू बेसिकली हिज थिंग हाँ तो रॉकस्टार में तो मेरा फेवरेट इनसाइड पहले तो कुनफा या कुन मेरा फेवरेट सॉन्ग है इसके ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं द सीन वेयर रणबीर के कैरेक्टर को घर से निकाला जा रहा है वो भी गाना स्टार्ट होता है वो शिव का हारमोनियम के साथ द हारमोनियम व्हिच प्लेज इन द बैकग्राउंड इज सिंग्ड विद हिज फुटस्टेप्स जो कि उसको जब घर से धक्का मार के निकाला जाता है ऑल्सो वो पूरा गाना आप सुनोगे तो लिरिकली जितना भी तो बेसिकली इट्स अ प्रेयर सॉन्ग क्योंकि कुन फायर कुन मीन्स जैसे हिंदी में तथास्तु बोलते हैं तथास्तु वैसे कुन फायर कुन इज अ बी वेट आई मीन आई डोंट नो इट्स बी एंड इट इज मतलब अगर खुदा ने कहा हो कुन तो हो जाएगा कुन फायर कुन आई रिमेंबर तो आप वो म्यूजिक वीडियो को भी देखोगे तो जितने पार्ट्स में फर्स्ट हाफ के म्यूजिक वीडियो में मोहित चौहान नहीं गा रहा है उस टाइम और उस पॉइंट ऑफ टाइम में रणबीर घर छोड़ के दरगाह तो पहुंच गया है बट वो दरगाह में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ना वो वहाँ पे गा रहा है ना वो वहाँ के लोगों के साथ खा रहा है वो बाहर जाके एक चाय की टपरी पे अपना मील्स करता है ही लुक्स एट पीपल ऑल वियर्ड एंड क्यूरियस बट फिर वो पार्ट आता है रंगरेजा 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 मीन्स पेंटर तो वो क्रिएटर वो सब बोल रहा है और फिर जब फाइनली वो वर्ड्स आता है मुझ पे करम सरकार तेरा एक मिनट लिरिक्स खोल इंटरेस्टिंगली कुन पाया कुन वाज लाइक सिनेमाटोग्राफी वाइज भी काफ़ी डिफरेंट मतलब एक म्यूजिक वीडियो मतलब एक मूवी के बीच में उसका रिलेवेंस काफ़ी ज़्यादा है जब पहला वर्स जब मोहित चौहान गाता है दैट इज वो जो मुझ में समाया वो जो तुझ में समाया उस पॉइंट ऑफ टाइम से मोहित चौहान का वोकल सेंटर करता है और उसी सेम पॉइंट पे यू सी रणबीर फॉर द फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेटिंग इन द दरगाह की एक्टिविटीज पहली बार वो अपने क्रिएटिव पावर्स को अपने म्यूजिक को यूज़ कर रहा है टू पार्टिसिपेट इन समथिंग दैट्स बिगर देन हिम और उसी टाइम लिरिक्स में भी वो सेम आइडियाज एको हो रहा है तो जब वो बोलता है रंगरेजा ले ले रंगाई चाहे तन चाहे मन तो रंगरेजा एज इन पेंटर लॉर्ड ले ले रंगाई एज इन मेरी आर्टिस्ट्री द बेस्ट दैट आई हैव टू ऑफर टेक दैट इज वेल और वही सेम सेंटिमेंट विजुअली भी एको कर रहा है तो ऐसे एरेमन आई डोंट थिंक कोइंसिडेंटली कुछ भी लिखता है बहुत ज़्यादा इंटेंशनल रहता है उसका सारा वर्क तो विजुअल्स के साथ सिंक्ड और लिरिकली भी सिंक्ड वोकल्स भी डिवाइड वैसे कर रहा है That. I mean, this has to do with the fact that Imtiaz Ali was the mind behind this. हाँ, Imtiaz का idea था. Imtiaz ने Rig Veda में पढ़ा था कुन वो line क्या है? जब कहीं पे कुछ नहीं था, तब भी वही था. That line he read something related. Irshad Kamil का एक मैंने देखा था कहीं interview में जिसमें he's like explaining. कि कुछ नहीं होने के लिए भी कुछ होना होता है एंड ही एक्सप्लेन्स कि कैसे गॉड इज देयर व्हेन यू नो कि यू आर अलोन इरशाद कामिल से मेरा सेकंड फेवरेट सॉन्ग जिस पे मेरे पास एक बैक स्टोरी भी है इज कतिया करूं जो वैसे तो उतना लोग सुनते नहीं है बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल तो इरशाद कामिल की एक इंटरव्यू में वो बता रहा था कि वो कॉलेज के एक समर कैंप में गया था शिमला या मनाली कैंपिंग करने तो वहाँ पे उसने पहली बार सुना कुन कतिया प्लीज काट देना प्लीज अच्छे से आप एडिट कर देना बहुत ज़्यादा पका होता है ओके हाँ तो जब उन्होंने पहली बार सुना था कतिया करूँ तो
एक पंजाबी फोक सॉन्ग है बेसिकली, और कतिया करो को बहुत कैजुअली लोग गाते हैं, और वो दो लाइंस में सब कोई अपना कुछ कुछ ऐड कर सकते हैं. तो उनका एग्जांपल था, जब वो कॉलेज में थे तब वो गाते थे ऐसे, कतिया करूँ सारी रात कतिया करूँ, किसी किसी को दी लिमका, किसी को दी सेवन अप, साड़ी पेप्सी, तू कतिया करूँ. तो वो ऐसे फ्लर्टी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते थे. तो जब इम्तियाज ने उन्हें बताया कि उन्हें चाहिए गाना, तो ही केम अप विद दिस कि ये एक फोक सॉन्ग है जिसमें हम लोग वर्क कर सकते हैं. ऐसे चीकी सा गाना बनाने का उनका था. उनका खुद का कहना है कि उनको एक चालू गाना बनाना था, कोट एंड कोट चालू गाना. तो हिज ओरिजिनल आइडिया वाज कि हम थोड़ा इरशाद खुद वो बोले थोड़ा सा लिख देंगे, थोड़ा इम्तियाज लिखेगा, थोड़ा रणबीर को भी लिखवा देंगे, ताकि ऐसे चीकी फन सॉन्ग बना सके. फिर ए आर रहमान इंट्रोड्यूस हुआ एज कोलैबोरेटर, तो उनसे बात करना पड़ा कि इसके मेलोडीज कैसे होंगे. तो ए आर रहमान फर्स्ट क्वेश्चन टू हिम वाज व्हाट डज कतिया करू मीन. तो उन्होंने लिटरली ट्रांसलेट कर दिया कि आई विल स्पिन योर कॉटन द होल नाइट. कतिया करू का लिटरल मीनिंग आई विल स्पिन योर कॉटन द होल नाइट, जो थोड़ा वियर्ड सा है. व्हाट डज इट मीन योर कॉटन. तो उन्होंने वो थोड़ा एम्बैरस्ड होके रहमान सर को बता दिया कि अब है तो हम लोग को चीकी सॉन्ग ही बनाना है, तो दिस इज व्हाट आई वांट टू वर्क विद. एंड देन अ व्हाइल लेटर उन्होंने रहमान सर का वर्जन सुना, और सडनली उनको सुन के थोड़ा एपिफनी हुआ कि शिट, हम ये गाने को कैजुअली ले लिए थे, दिस हैज मोर मीनिंग टू इट. तो कतिया करूँ का एक्चुअल मीनिंग होता है चरखा चलाना या चरखा को घुमाना. तो और ये ऐसे पर्शियन फोक में भी इस मेटाफर का रेफरेंस है कि ऐसे चरखा चलाना एक्चुअली मीन्स लाइक सांस चलने से कंपेयर किया जाता है उसको. तो कतिया करूँ एक्चुअली मीन्स किसी के नाम की माला जपना. तो ऐसे बिफोर ए आर रहमान केम इन टू द पिक्चर, इरशाद कामिल को खुद नहीं पता थी कि वो कितनी बड़ी बात बोल रहा था उस गाने से. उसकी प्रोड्यूस कंपोज वर्जन को सुन के उसको लगा शिट, मे बी दिस हैज वे मोर मीनिंग टू इट देन आई ऑल्सो कुड एवर रियलाइज. इंटरेस्टिंग, लाइक स्टफ दैट कम्स अलोंग विद एन ए आर रहमान प्रोडक्शन. लाइक ओके, सो मेरा ए आर रहमान का फेवरेट एल्बम इज स्वदेश. And the reason behind that is कि उस movie में like the entire story is just so, you know, थोड़ा preachy हो सकता है कि एक Indian origin guy who is a scientist in NASA, ठीक है, and he has to come back to meet like एक relative रहती है, उनसे मिलने आता है, and जो भी the story is कि वो आता है India and he sees कि क्या हो रहा है. और दो perspective है, एक तुम as a viewer जो तुम देख रहे हो कि एक 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 NRI इंडिया आ रहा है, उसको क्या फील हो रहा है, और एक पर्सपेक्टिव है कि खुद शाहरुख खान मतलब मोहन का कैरेक्टर वो क्या देख रहा है. तो ए आर रहमान का पूरा म्यूज़िक जो है उस पूरे मूवी में वो दो टोन में चलता है, ठीक है, एक जब तुम एज अ व्यूअर दिखा रहे हो और एक जब तुम शाहरुख खान के पर्सपेक्टिव से दिखा रहे हो ना, अबव द शोल्डर शॉट्स एंड वो सारा शॉट्स जब वो एयरप्लेन से देख रहा होता है नीचे उस समय शॉट्स, तो दो अलग टेम्पो पे चलता है वो म्यूज़िक. और आई रिमेंबर उसका एक ट्रैक है, लेट मी जस्ट चेक, लाइक ए आर रहमान का स्वदेश का, लाइक स्वदेश का मोस्ट पॉपुलर तो यूं ही चला चल रहा ही जो है वो तो है ही पॉपुलर, बट मेरा फेवरेट है ये तारा वो तारा, ठीक है. और ये मूवी के बीच में तब आता है ये सॉन्ग जब मोहन इज ट्राइंग टू कन्विंस और यू नो bring in that positivity among the village folk या फिर village के लोगों में बच्चों में कि ठीक है थोड़ा एक positive mindset रखना चाहिए, ठीक है. तो उस music का जो tone है ना, he uses that tone with multiple different tempos throughout the movie, ठीक है. तो like उसका पूरा character arc को दिखाता है कि when he flies in, ठीक है, like मैंने एक YouTube video में ही देखा था ये चीज़ कि जब वो इंडिया में आ रहा होता है तो उस जिस गाने से लाइक उसका आना, लाइक एक अपबीट मूवी, एक अपबीट म्यूजिक है, तुम लोग वो सुने हो कि नहीं, बट वट एवर, तो वो उसका अलग टेम्पो में रखता है एंड द एंटायर एल्बम इज लाइक माई फेवरेट. और ऑल्सो फन फैक्ट, स्लमडॉग मिलियनेयर में भी स्वदेश का जो वो ट्यून है ना वो लाइक स्लमडॉग मिलियनेयर देखा है ना, उसके एंडिंग में याद है लतिका को कॉल कर रहा होता है वो, एंड लतिका एक्चुअली फ़ोन उसका कार में रह जाता है एंड ही इज़ कॉलिंग फ्रॉम यू नो वो 1 करोड़ का क्वेश्चन के लिए एंड शी डजंट पिक अप.
तो जो जो कॉलर ट्यून है ना वो हाँ। वो स्वदेश का ही ट्रैक है जो कॉलर ट्यून है फोन का। तो ये एक इंटरेस्टिंग थिंग था। या सो ए आर रहमान, ओके नेक्स्ट एल्बम पनिशर। हाँ पनिशर, ओके। बेसिकली वी आर फाइनली गेटिंग स्टार्टेड विद फीबी ब्रिजेस। यस, द मोस्ट एंटिसिपेटेड वन। ऑलराइट, ओके। सो ये तुम लोग दोनों का फेवरेट एल्बम है, सो यू गाइस कैन स्टार्ट टुगेदर। तुम्हारा जो स्ट्रेंजर इन द एल्बम सुना? मेरा फेवरेट एल्बम, ओके, और सर फेवरेट आर्टिस्ट? हां से फेवरेट आर्टिस्ट है, आई मीन दैट, सॉरी। मेरा फेवरेट एल्बम है फीबी ब्रिजेस का स्ट्रेंजर इन द एल्बम। पनिशर से जस्ट पहले का एल्बम था द स्ट्रेंजर इन द एल्बम, वो उसका ब्रेक थ्रू एल्बम नहीं था, बट पनिशर उसका ब्रेक थ्रू एल्बम है ना विद द सॉन्ग क्योटो, जिसमें शी लिटरली टेल्स यू टेल्स अबाउट हर अब्यूसिव फादर एंड सेज कि आई वांट टू किल यू बट प्लीज डोंट होल्ड मी टू इट, आई वोंट फॉरगिव यू बट प्लीज डोंट होल्ड मी टू इट, आई वांट टू किल यू प्लीज डोंट बीट मी, इफ यू डोंट बीट मी टू इट। व्हाई डू यू लव ब्रिजेस? For her songwriting, like she writes songs on the surface level, it is very much like how Kurt Cobain approaches songwriting. You can't. I have heard this before. Pata nahi kahan. Like, if you take musicians like John Mayer or Taylor Swift or Ed Sheeran, वो लोग का songwriting ज़्यादा direct होता है, and you can just read them. It's sort of meta between poetry and songwriting. बट फीबी ब्रिजेस एंड कर्ट कोबेन जैसे सॉन्ग राइटिंग करते हैं ना, वो ज़्यादा फील प्रोवाइड करने का होता है उनका, कि जो वर्ड्स हम लिख रहे हैं ना वही से एक्सप्रेस हो जाए, उसके बाद तुम एक सेकेंड लेयर ऑफ डेप्थ में जाते हो जब तुमको पता चलता है कि व्हाट डज इट मीन्स, इसका रेफरेंस क्या है, इसका बैक स्टोरी क्या है। जैसे कि वो सॉन्ग है ना पनिशर, जो क्योटो के नीचे आता है, जिसमें वो बात करती है कि हम स्नो वाइट हैं और हम एलियट स्मिथ के साथ रहना चाहते हैं, तो वो डिस्क्राइब करती है ना कि एले में रहने को, कि इफ़ योर फेवरेट थिंग्स आर डायनेटिक्स और स्टको, सो डायनेटिक्स एंड स्टको आर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जो एले के हाउस होल्ड में यूज़ होते हैं। तो इस जस्ट वो सिंगल सेंटेंस से वो पूरा पिक्चर पेंट करती है एले में रहने का। मेरा भी फेवरेट रीज़न लाइक लव हर वर्क इज द सॉन्ग राइटिंग, क्योंकि बहुत चीकी भी रहता है समटाइम्स, देयर इज अ लॉट ऑफ ड्राई ह्यूमर। जैसे देयर इज अ सॉन्ग कॉल्ड स्कॉट स्ट्रीट, जिसमें वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में के साथ एक कॉन्वर्सेशन को डिस्क्राइब कर रही है, उसमें एक लाइन है, आई आस्क हाउ इज प्लेइंग ड्रम्स, यू से इट्स टू मच शिट टू कैरी, चीकी। और वो बस एक ड्राई सेंस ऑफ ह्यूमर लेके आती है अपने सॉन्ग्स में, और बहुत स्पेसिफिक रहता है उसके सॉन्ग, उसका प्रोडक्शन भी काफ़ी यूनिक एंड इंटरेस्टिंग रहता है, जो काफ़ी इन्हांस करता है सॉन्ग राइटिंग एंड उसका वॉइस को। सो लैक ऑफ मेटाफर्स रहते हैं उसके सॉन्ग राइटिंग में, वो बहुत आपको इंसिडेंट्स डिस्क्राइब करके देगी एंड यू गेट टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू मेक ऑफ द सिचुएशन, वो आपको नहीं बता रही कि उसको कैसा फील हो रहा है, वो बस इंस्टेंसेस देते जा रही है अपने लाइफ के साथ। इवन विद द क्योटो, उसमें वो डिस्क्राइब करिए कि हाउ हर डैड फॉरगेट्स हर बर्थडे, उसमें वो लाइन भी है, लेट मी कोट दैट, यू सेड यू कॉल्ड ऑन हिज बर्थडे, यू वर ऑफ बाय लाइक 10 डेज बट यू गेट अ फ्यू पॉइंट्स फॉर ट्राइंग अगेन। कभी वो अपना रिजेंटमेंट फॉर हर डैड शी विल नॉट एक्सप्रेस दैट डायरेक्टली, बट शी विल टेल यू अ लॉट ऑफ द थिंग्स दैट ही हैज डन, व्हिच इज लाइक अ कांस्टेंट थीम इन हर वर्क। कमिंग बैक टू दैट कर्ट कोबेन थिंग, तुम लोग को आई नो द एंड का स्टार्टिंग याद है, समवेयर इन जर्मनी आई कांट प्लेस इट, मैन आई हेट दिस पार्ट ऑफ टेक्सास, ये लाइन बेसिकली उसका टूर मैनेजर यूज करता था जब भी वो लोग यूरोप में लोग टूर करते थे ना, तो सुबह बस कहीं भी रुकती थी वो घुसता था, उतरते वो बोलता था मैन आई हेट दिस पार्ट ऑफ टेक्सास, तो तुमको लगेगा कि वो कुछ डीप बोलना चाह रही है, बट ऐसा नहीं है, बस वो एक फन रेफरेंस है उसका। आल्सो देयर इज अ सॉन्ग कॉल्ड क्या था मेरा नाम गार्डन सॉन्ग, जिसमें एक लाइन है, देयर इज अ लाइन दैट सेज, जो मेरा फेवरेट लाइन था जिसको पर्सनली सुन के मैंने बहुत रोया था, द लाइन सेज, द डॉक्टर पुट हर हैंड्स ऑन ओवर माय लिवर, शी टोल्ड मी माय रिजेंटमेंट्स गेटिंग स्मॉलर,
मुझे लगा कि कितना प्रोफाउंड बात बोल दिया यहाँ पे अबाउट हाउ शी कंज्यूम्स अल्कोहल एंड हाउ शी वुड डू दैट एट अ यंगर एज टू कोप विद स्टफ. और फिर वो बोलती है कि वो बस एलए के एक एक्चुअल डॉक्टर के पास गई थी हु वाज आल्सो इनटू लाइक स्पिरिचुअल एनर्जीज एंड थिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट. और वो कैजुअली उसको एक्चुअली ये बात बोल दी थी कि योर रिजेंटमेंट्स गेटिंग स्मॉलर और वो उसको गाने में डाल दी. इट डिडंट मीन एनीथिंग, मतलब ऐसा कुछ हायर मीनिंग नहीं था. नहीं, when you listen to it, मतलब from a songwriting point of view, it feels like वो कितना तुम बोलेगा भी तो तुम पहले बार यही सोचोगे, oh fuck, liver is getting bigger, liver is getting better, my resentment is getting smaller. सुन के लगता है कि कितना profound thought था, बस वो सोचना this could work as a lyric, but उसको actually कोई बोला था ये LA में, some weird doctor. So do you know this fun fact about this song's music video, Savior Complex? It was directed by Phoebe Waller-Bridge और Paul Mescal. हाँ, Savior Complex भी बहुत अच्छा लगता मुझे. फिर एक Chinese satellite काफी अच्छा है. She compares her lack of faith to a Chinese satellite. Also अगर आप Phoebe Bridges सुन रहा है कोई listener सुनना चाहता है, तो I would also recommend Phoebe Bridges का side project Boy Genius. With her with, two best friends, Lucy Dacus and Julian Baker. जिसका नाम ही मेरे को बहुत पसंद है. Boy Genius नाम इसलिए रखा था because they were like, वैसे भी कोई लड़का कुछ cool करेगा तो उसको genius का tag बहुत जल्दी मिल जाएगा. तो हम लोग नाम ही Boy Genius रख देते हैं. Which is why the band is called Boy Genius. I don't agree कि like इतना easily genius. Have you ever been called a genius? So like in the music industry जो pre-existing bias है, उसको reflect करते हुए they're like, let's just call it Boy Genius. Very understandable. Joni Mitchell. All right. Approaching the end of this episode, we'll do a rapid fire. This may I'll be asking some questions and one word answers. Like music se related yoga, of course. Since we have been nerding about music for past 2.5 hours on 2 different locations. So, okay. So I've got some questions. So here's one. What's your go-to breakup song, Ratisha? All Too Well, 10 minutes version. 10 minutes version. Arre yaar, it's too much. Nahi, All Too Well 10 minutes version. Sad Girl Autumn hai kya us version ka naam? There's a more stripped acoustic version of the actual song. That is also 10 minutes. When I listened to All Too Well, I first played the 10 minute version and I was like, this is too much. And फिर I got to know कि okay shit अच्छा इसका एक एक दूसरा भी है then I heard that song. नहीं but ऐसे वो because it goes on and on and on. In the name of being honest. हाँ. You kept me like a secret. I kept you like an oath. हाँ. उससे ज़्यादा अच्छा breakup song नहीं है. Alright. बहुत चिल्लाना है मेरे को ज़िंदगी. तेरा. Sure. Did you know there's a tunnel under Ocean Boulevard? काफी hard breaking लगता है उसका जैसे. Did you know there's a tunnel under Ocean Boulevard? उसका आई मीन एस्थेटिक. सो लाना डेल रे का है ना डीप वॉइस, शी मिक्सेस इट विद वोकल्स एंड हर म्यूजिक, वो काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को. काफ़ी मेल्टिंग सॉर्ट ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग. तुम अभी यही सुन रहे हो. सब याद आया. शिट. ओके ऑलराइट. लाइक मेरा फेवरेट ब्रेकअप सॉन्ग, I don't know, कोई ब्रेकअप सॉन्ग नहीं है. आई जनरली गो टू सम ऐसा सम पियानो पीस और समथिंग. रंजिश ही सही. हाँ इट कैन बी माई ऑफकोर्स, बट आई डोंट नो, कुछ रैंडम से सुनता हूँ, नथिंग इंटरेस्टिंग. ओके ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. Since we did breakup song, go to love song. Like dopamine release karna hai. Kya karo? Thoda cringe ho jayega, but Shahrukh Khan kaise na mention karu? Haan. Ek din aap you from Yes Boss. Ek din aap you ko mil jayenge. Phool hi phool raahon mein khil jayenge. All right. It's a very cute. Mereko, I know my favorite love song. Go. Firefly by Ed Sheeran. Firefly. Right. Do you know that song? Haan. Very warm, very cozy. My favorite love song, main agar kahun, Om Shanti Om. Good choice. It's my mother's favorite song as well. So,
सच अ गुड सॉन्ग यार. आई थिंक एक दिन आप यू भी मम्मी नहीं सुनाया था. रियली? हाँ, क्योंकि शाहरुख खान तो सबको को पसंद है. मम्मियों को तो पसंद ही है. ओके ऑल राइट. गिल्टी प्लेजर लाइक रुको यार रुको, ये यूट्यूब पे होगा. यूट्यूब पे होगा. अच्छा फेवरेट म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप. I don't think I've tried anything else other than Spotify in a while. इससे पहले Wink try किया था सिर्फ 5-6 साल पहले. उसके बाद कुछ नहीं. Guilty pleasure. Don't tell me BTS. BTS guilty pleasure नहीं है. कुछ तो cringe Bollywood होगा. ऐसे दिल डूबा. कुछ Bo Burnham. songs जो है ना वो एकदम पूरा melodrama वाले songs जो होते हैं ना, आई ट्राई टू हाइड देम क्योंकि इट्स टू पर्सनल. कभी कभी नहीं, कभी कभी नॉर्मल स्टेट में लगता है आ ज़्यादा क्रिंज हो गया. हाँ, बट जब उस गाना को सुनते हैं लगता है फक यार दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग. एग्जैक्टली. हाँ मतलब मेरा वो होगा आई गेस 90s का सैड रॉक. वो हैव यू हर्ड लाइक द रीजन हुबा स्टैंग द रीजन राइट. हाँ सिंपल प्लान का एक गाना था आई एम सॉरी आई एम नॉट परफेक्ट. एकदम क्रिंज सैड ईमो किड वाले गाने जो थे उस टाइम के. दैट हुआ स्टैंक और वो सब वाला गिल्टी प्लेजर. हां ऑलराइट एंड ओके या दैट्स इट. आई विल थैंक यू गाइस फॉर जॉइनिंग मी. थैंक यू फॉर हैविंग अस. थैंक यू रतिशा एंड शिवम एंड आई होप कि यू गाइस विल शेयर this video and of course like Latisha said ki to boost the likes and views what I'll do I'll just play it on loop on my mother's cell phone and I said why don't you think ki bhai mummy ko suna hi diya jaye. It's like acha ye maine kyun nahi socha. Okay main mere mummy ko suna hai. नहीं शाहरुख खान वाला सुन के खुश हो जाएंगे. ऑफ कोर्स उनको आई विल गिव यू द टाइम स्टैम्प. हां वहीं से स्टार्ट करना. ऑलराइट दैट्स इट फॉर टुडे. सो दिस वाज एपिसोड 1 ऑफ द यूनेस्को पॉडकास्ट. आई एक्चुअली हैड अ रियली फन टाइम रिकॉर्डिंग दिस वन विद लतीशा एंड शिवम. एंड इफ एनीवन ऑफ यू गाइस थिंक दैट यू नीड देयर प्लेलिस्ट्स स्पेशली द गिल्टी प्लेजर वन then feel free to DM them. I'll just put their Instagram IDs in the description box, so do check it out. And yeah, we'll see you guys in episode 2 of the UNESCO podcast. Until then, have a great time.